चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुं हरं कलेश विकार सी हरं पवन तने संकट हरं मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सही हृदय वसों सोरू सियावल राम चंद्र जी की जय सरनम संकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बोली उमापति महादेव की जय हो बोली कृष्ण बलदेव की जय सरस्वती मैया की गजानन जी महाराज की जय बोली बालाजी महाराज की जय बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं श्री बालाजी मंदिर होटल के सभी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल आप सभी ने श्रवण किया, समुद्र किनारे सभी वानर खड़े हुए हैं, आगे कोई मार्ग नहीं सूझता। संपत्ति नाम का गिद्ध सभी को बताता है कि सीता माता लंका में है। अब सभी विचार करते हैं कि सात कोस योजन लंबे समुद्र को कैसे पार किया जाए। जामंत जी कहते हैं, अब मेरी वृद्धावस्था है, जवानी में मैंने जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो वामन अवतार की सात प्रदक्षिणाएं की थी, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका, अब मैं नहीं कर सकता। आइए इसी से आगे रामन पाठ में प्रवेश करेंगे। बले बांधत प्रभु बाढ़ सोतने बरनी ने जाई हो रामा ओवे घरी में दी नहीं साते प्रदक्षण धाई ओ रामा। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हुए कि उनका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की सात प्रदक्षिणाएं कर ली थी। अंग देखाऊ जाऊ मैं पारा जिए सांस कछु फेरती बारा जामंत के है तुम सब लायक पटही के मैं सब ही कर नायक। अंगन ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह। जामंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जावे। कहीं रीच पति सुनो हनुमाना का चुप सादी रहूं बलवाना पवन तने बल पवन समाना
बोध विवेक विज्ञान निधाना। रीछराज जामन जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम्हें पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही बहुं पर्वत आकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे पवन सुत, हे तात, तुमसे न हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार भया है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक के बरन तन तेज बेराजा, मानहुं अपर गिरन कर राजा। सिंह नाद कर बारही बारा, लीलहि नागहुं जल निद खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंह नाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूं। सहित साहे राम नही मारी, आनहु इया तेरे कोट उपारी। जा मानते मैं पूछूं तो ही, उचित सिकावन दी जाऊं मोही। मैं सहायकों सहित रामन को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूं तात तुम्हें जाई, सीत ही देख कहूं सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग सांग कपि सेना। जामंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ, उनकी खबर कह दो, फिर कमलनयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले जावेंगे। केवल खेल के लिए ही वह वानरों की सेना साथ लेंगे। कप सहने संग संहारी, निश्चर राम सीतहि आनहि सिया रामा। तेरे लोक पावन सो जस सोर मुनि नारद बखानहि सिया रामा। जो सुनत गावत कहते समय जत परम पद नर पावई सिया रामा। रघुवीर पद पातोज मधु कर दास तुलसी गावई सिया रामा। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। तब देवता नारद जी मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं।
और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर ब्रह्मण तुलसीदास बाबा गाते हैं। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जय नर अरुणार हो रामा तिने कर सकल मनोरथ से दे करई तेरे सारी हो रामा। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोगों की अचूक दवा है। जो पुरुष वह स्त्री इसे सुनेंगे त्रिसरा की शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को अवश्य सिद्ध करेंगे। नीलो ते पले तने श्याम काम कोटा सोवा देखे हो रामा सुनहि तास गुण ग्राम जा सुनाम आगे कर बदे के हो रामा। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बदक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसी के साथ मास प्रायण 23वां विश्राम किष्किंधा कांड का समापन और हम चलेंगे अब आगे सुंदर कांड में। शांतम शास्त्र प्रेमगम निर्वाण शांति प्रदम ब्राह्म शंभुफणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेदम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सौरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे करुणाकरम रघुवूरम भूपाल चूड़ामणि। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष स्वरूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु शेष जी निरंतर सेवति वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के श्रोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर जी की आओ हम सभी वंदना करते हैं। नान्या श्रृपया रघुपते हृदय सत्यम बदामी च भवान खिलानात्रात्मा भक्तिम प्रयच रघुकुंभम निर्वामे कमादि दोष रहितम कुरुमानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्वाह पूर्ण भक्ति दीजिए, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम हेम सलाम धनुज वन कृष्णानुनम ज्ञानी नाम ग्रैन्यम सकल गुण निधानम बानर नाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम बातजतम नमामि। अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत समोरी के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निदान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत श्री हनुमान जी को आइए हम सभी प्रणाम करते हैं। जामंत के वचन सुहाय सोने हनुमंत हृदय अति भाय तब लगे मोही पर कहूं तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई, वह बोले
हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतई देखी होई काज मुई हरस विशेषी। यह कही नाही सवन कहू माता चलऊ हरस ही धरी रघुनाथ। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर इक्के भूधर सुंदर कौतुक कूदे चढ़ाऊता ऊपर बारे बारे रघुवीर समारी तर कहूँ पवन तने बले भारी हो रामा। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वता हनुमान जी खेल से ही अन्यासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुनाथ जी के स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जय ही गेर चरण दई हनुमंता चलहु सोगा पाताल तोरंता जिम अमोगे रघुपते कर बाना आई बात चलहु हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले जिस पर से वह उछले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल ने दे रघुपते दूत बेचारी ते मेहना के हुई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक तू इनकी थकावट दूर करना अर्थात अपने ऊपर ने विश्राम देना। हनुमान तही परसा कर पून कीने प्रणाम हो रामा। राम काज कीने बिन मोहि का विश्राम हो रामा। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया फिर प्रणाम करके कहा हे भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाते पवन सुत देवन देखा जान कहूँ बल बोध विशेषा सुर सा नाम अहिन की माता पटना ही आई कहीं तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सपो की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही आज सोरन मोई दी नहीं आरा सुनते वचन के है पवन कुमारा। राम काज खर फिर में आवो सीता के है सोदे प्रवहु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैटऊं आई सत्य कहूं मोई जान दे माई कब नहूं जतन दही नहीं जाना गिर ससी ने मोई कहूं हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया
तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाने ले। जो जने भरत ही बदन पसारा, कपे तनु की नहीं दोगन बिस्तारा। सो रह जो जन मुख तही ठहू, तुरत पवन सुत बाती से बहूं। उसने जो जन भर चार कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के है गए। जैसे जैसे सोर सा बदन बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तही आनन की ना, अति लगे रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पेट पुन बाहर आवा, मांगा वेद्यता ही सिरुनावा। मोही सोरन जही लागे पठावा, बोध बल परम तोर में पावा। वो इसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आई, उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। राम काज सब करहुं तुम बल बोध निधान हो रामा। आशीष दी गई सोहर से चलाओ हनुमान हो रामा। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, आज वाणी को रामायण पाठ में इसी स्थान पर विराम देंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय जय जय।